ये हमारी जो रचना बहन है, छोटी सिस्टर है, ये सारी बहन है, देखो ये मेरी बहन है सारी, ये बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन है। मिलाओ सबसे। हाय, आपका नाम? मीरा नाम है हमारा। मीरा है जी। और कोई इसके बाद कौन है? मेरा नाम रंजना है। अच्छा, नहीं तो सबसे छोटी है। अच्छा, इनका क्या नाम? नीरा, मीरा नीरा। अच्छा, मीरा नीरा, फिर वो कौन है? और ये जीरा, जीरा। जीरा। गजब नाम है। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके फैमिली व्लॉग में। और आज मैं आई हूँ रचना के घर, मतलब मैके आई हूँ, ससुराल तो नहीं पहुँच पाई फिलहाल, मैं मैके आ गई हूँ। और यहाँ देखो सारी सिस्टरें मिल गई हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मेरी सारी बहनें मेरे साथ हो गई हैं इकट्ठी। तो ये बड़ी सिस्टर है, मीरा है, और ये छोटी सिस्टर है। ये क्या नाम है, नाम बताइए? मेरा नाम नीरा है। नीरा। और वो अर्चना, अर्चना, अर्चना। और फिर ये है, हेलो दोस्तों, हमें तो आप सब पहचानते हैं, रचना, एजी रचना जनपुरिया। एजी रचना। और फिर वो है रंजना। हम रंजना, ये रंजना है, ठीक है। और आपका क्या नाम है? नाम बता दो। पिल्लू। बता दो। अभी हम लौटे थे विजयपुर से, नदिया के पार की लोकेशन की शूटिंग करके लौटे, तो इनकी पिताजी की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमने सुना तो मैंने कहा ठीक है हो आते हैं। ये फाइनली है रचना जी का ये मायका है और वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। फिलहाल रचना हमें अपने ससुराल में बुला रही थी कि आना दी, आना दी। हमने कहा चलिए ठीक है आएंगे। नहीं, कहा जाता है ना कि जहाँ लिखा होता है मुलाकात करने का, वहीं इंसान मिलता है। तो हम वहाँ से एक से मिलते हैं, पूरी फैमिली से हम लोग मिल गए। यहाँ देखिए सारी सिस्टर इकट्ठी हुई हैं। नसीब देखो कितना अच्छा है कि पूरी सिस्टर मेरे को मिल गई। लेकिन दुख की यही बात है कि इनके पिताजी की बहुत ज्यादा हालत खराब है, और अगर खुशी में होते तो हम आपको और भी शेयर करके दिखाते हैं। तो फिलहाल आप क्या करती हैं सिस्टर? जी मैं सत्यम एग्रो कैपिटल लिमिटेड में जॉब करती हूँ। देखिए एक जो है शिक्षित नारी होने का फर्ज भी ये निभा रही हैं, और मुझे तो लगता है कि सारी बहनें जो है सेल्फ डिफेंस होगी, है ना? ये तो आपको पता ही होगा कि बैंक सखी हैं और समूह में काम करती हैं। आप बहन, आप गृहिणी हैं, आप बाकी टोटल अभी ये पढ़ाई करती हैं, तो इनको तो जानते ही हूँ, ये इनका तो हमने बता दिया। तो अगर आप भी महिलाएं हैं तो अपने पैरों पर खड़ा होइए, शिक्षित बनिए, और बाबा साहब ने कहा था कि ना शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो आप वही काम करिए। और ये छोटी सी फैमिली से छोटी सी मुलाकात बहुत अच्छी लगी हमको। फिलहाल दुख की बात यही है कि यहाँ पे पिताजी जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और क्या ही बताएं आपको, दुख से शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। बस इसी दुख में सब लोग इकट्ठा हुए थे। हाँ, सही बात है। और एक मेमोरी हम ये यहाँ से लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम लौटे थे विजयपुर से, और जाते वक्त हमने कहा एक छोटी सी यादगार यहाँ पे बना देते हैं, और आएंगे फिर कभी, लोगों से मुलाकात कराएंगे, इस फैमिली से दिन में होगी बातचीत। फिलहाल हमको भी निकलना है, और बाकी आप बताओ। तो क्या बताएं हम, तो हम लोग मतलब मैं आई नंदेश वाले की शूटिंग करने आए थे, पता चला कि रचना अपने मायके आई हैं, क्योंकि इनके पापा जी की बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब है। तो मैंने कहा जब मैं इतनी दूर आई हूँ तो थोड़ी दूर और सही चलते हैं, पापा जी से ही मुलाकात हो जाएगी और उनकी फैमिली से मेरे को मुलाकात हो जाएगी। और इनकी फैमिली से मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे घर पर तो जाती खाली रचना से मिलती, तो चलिए दोस्तों कमेंट में आप रचना जी और उनके सिस्टर के यानी पिताजी के लिए थोड़ा सा कमेंट में दुआएं करना, और फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।